उफ माय गॉड यार, मेरी ना स्किन पे थोड़ा डिजास्टर आया हुआ, क्योंकि ईद आ रही है ना करीब, तो आपको पता है ये वाले तो काम जरूर होते हैं। वन एंड टू पता नहीं क्यों इतने ज्यादा पिंपल्स निकल आए। खैर, इट्स गुड मॉर्निंग। अच्छा यार छोड़ो, अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे तो व्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं सुबह से। लेकिन ना सबसे पहले मैंने ना चीज मैंने कहा थोड़ा सा यार, ये जो एक और दो आफ्तू इतने बुरे लग रहे हैं, तो मैंने कहा कि ना वो कर लेते हैं जरा, मतलब थोड़ा सा स्किन केयर का भी कर लेते हैं सेटिंग, क्योंकि यार ईद भी आ रही है। वैसे बकरा ईद का तो पता नहीं, ये तीसरा साल मेरा गुजर रहा है मुझे, मतलब इतने मोटे वाले पिंपल पूरे साल में नहीं होते जितने मुझे बकरा ईद से पहले हो जाते हैं। माशाल्लाह कितनी सुंदर लग रही हूँ इन पिंपल्स के साथ भी मैं। जस्ट जोकिंग। अच्छा मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, वो चीज है ये चीज है ये, मैं इसको जरा फोकस करूँ। ये देखो ये चावल है, और ना मैं इन चावलों का टोनर अभी बनाने लगी हूँ। सो इसलिए अभी मैंने सबसे पहले कहा कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आपको जरा सा टोनर इसका बना रही हूँ मैं चावलों का, तो वो दिखा देती हूँ, और उसके बाद नाश्ता बनाना है। इस गर्मी में तो नाश्ता बनाना भी ऑफ टू जहर है बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती, लेकिन इट्स ओके, काम तो करना है ना। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी चीज़ बताती हूँ कि इस चावलों का क्या करना है, और टोनर बना के फिर यूजेज भी आपको बता दूंगी। ठीक है, कैमरा हियर। पहले सबसे पहले Let me set my camera here. अच्छा देखो, इसमें डालना है एक ग्लास पानी। एक ग्लास मतलब इतना डाल दो कि आपका ना तकरीबन 10 दिन के लिए बन जाए टोनर। ठीक है, कि सबसे पहले ना इसको ऐसे करके इंच करके इसको ऐसे निथारना है, आई मीन टू से इसको पहले वॉश करना है, निथारना नहीं है सॉरी, वॉश करना है। इतना भी नहीं रगड़ देना कि चावलों के सारे मिनरल्स ही चले जाएं। ओके सो यप, अब ये देख लिया आपने, राइस वाटर टोनर है ये, और ये यूज़ कैसे करना है अब ये भी सुन लो, और आगे ना मैं और वीडियो के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी ना। तो इसको ना जैसे जब रात को सोने लगो फेस वॉश करते हैं ना नाइट स्किन केयर के लिए, तो क्या करना, ऐसे जैसे स्प्रे होता है ना मुंह पर, सबसे पहले वो करके तो थोड़ा ड्राई होने देना, फिर सीरम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना। और इसी तरह से ना सुबह में भी सबसे पहले टोनर स्प्रे करना, और उसके बाद सीरम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना। अच्छा, ये जो राइस वाटर और राइस मास्क की रेसिपीज़ है ना, ये मैंने एक कोरियन चैनल था विश ट्रेंड उस पर देखी थी। अच्छा अब देखो, ये वाला राइस का वाटर हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना, और ना 2 घंटे के लिए इसको छोड़ना, और ना 2 घंटे बाद इसको किसी स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर देना, लेकिन वो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी सबसे पहले लेट्स गो फॉर नाश्ता। और जो है ना ये, अब आपने देखा होगा मार्केट में कितने सारे जो है, एक सेकेंड ये मैं रखूँ गिर ना जाए, हाँ मार्केट में कितने सारे राइस पाउडर्स भी आ गए हैं और राइस टोनर्स भी आ गए, क्योंकि वो हमारे पास सब कोरियन ब्रांड्स की चीज़ें इन हो रही हैं ना, मतलब कोरियन ब्रांड्स के भले ना हो लेकिन मतलब कोरियन के तरीक़ेकार की ना, तो उसमें वाटर मस्ट है, सॉरी राइस मस्ट है, ठीक है ना। अभी जो है सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, और इसके बाद का आखिर का प्रोसीजर ना बल चलते हैं अब सबसे पहले नाश्ते के लिए चलते हैं, और इसका जो आखिर का प्रोसीजर है ना वो मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखा दूंगी। अच्छा मैंने साथ साथ अब नाश्ता बना रही हूँ, अलग पराठों का नाश्ता। संडे को ना बहुत यार, मुझे संडे को बहुत एक्साइटमेंट होती है, बस थोड़ी सी गर्मी आजकल चल रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर सर्दी होती है ना तो और भी, क्योंकि मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आता है, स्पेशली मैं तो किचन में ही बना के किचन में ही बैठ के पराठा और शहद और मलाई का नाश्ता। ओ माय गॉड यार, इस बाइक वाले को बेबी गुजरना था, इग्नोर। हाँ मैं आपको ना एक कोरियन चैनल के बारे में बता रही थी, स्किन केयर का चैनल था वो, और ना मैं जब 3-4 साल पहले की बात है ये, जब मुझे कोरियन स्किन अचीव करने का जुनून हुआ था, तो मैं वो जो चैनल है ना वो और उसके साथ भी काफ़ी सारे देखती थी, मगर इसका नाम विश ट्रेंड ईजी सा है ना, और इंग्लिश में इसका नेम था तो ये मुझे याद है ना, तो ये आप लिख कर निकालना। उस पर बहुत अच्छे थे, अच्छे से स्किन के लिए मतलब कौन सी चीज़ ज़रूरी है और किस तरह से वो हमने कौन सी चीज़ कैसे ऐड करनी है, वो जो चीज़ है ना वो उसमें सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो जिस वक्त उसी में मैंने सारी ये जो राइस रेसिपीज़ है ना उसमें देखती थी मैं। अच्छा यूजेस तो मैं आपको बताना ही भूल गई, एक तो सबसे पहले रेगुलर यूज में रखना, दूसरा इसको फ्रिज में रखना राइस वाटर को, और 10 डेज से ज्यादा ऊपर यूज ना करना, फ्रेश बना लेना, और साथ में ना स्प्रे होता है ना ठंडा ठंडा, जैसे कहीं बाहर से भी आए हो तो स्पेशली फेस पर ठंडा ठंडा स्प्रे करना बहुत अच्छा इफेक्ट होता है किस किस के लिए, एक तो हाइपर पिगमेंटेशन, दूसरा स्किन वाइटनिंग के लिए अगर कलर डल हो रहा है या टैनिंग हो रही है या फिर छाइयां, सबके लिए बेस्ट। अच्छा यार ये सीख कबाब है और ये मैं हूँ।
अच्छा यार, मैं ना ग्रॉसरी करने गई थी ना, उसका व्लॉग, अच्छा सबसे पहले तो जिसने नहीं देखा तो आप देख लेना, सामने थंबनेल शो रहा है ना, ठीक है, चैनल पे जाकर। अच्छा मैं बता रही थी कि ना इस बार छोटा वाला पैकेट आया है, ठीक है, उनके पास जो बड़े वाले पैकेट के थे वो सीख कबाब खत्म ही हो गए थे ना, और मैं रोजाना हॉस्पिटल जाने में दो सीख कबाब तो मैं स्पेशली लेकर जाती ही हूँ विद पराठा। अच्छा एक बात है कि जो हैवी नाश्ता करने के यूज टू होते हैं ना, अब जैसे मैं ना, मुझे हफ्ते को मम्मा ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो मानू आज तुम ना ऐसे ही चली जाओ, मतलब सिर्फ मैंगो शेक मुझे बना के दे दिया मम्मा ने। मैंने कहा हाँ ठीक है, इट्स ओके, वैसे भी छोटा दिन है, खैर है मैं एडजस्ट कर लूँगी। यार हॉस्पिटल जाते ही मुझे इतनी क्रेविंग हुई लच्छेदार पराठे की, लच्छेदार नहीं मतलब कोई भी पराठा, बस है ना मुझे पराठा चाहिए था ना। फिर मैंने क्या किया, पठान वाला जो है वो लच्छेदार पराठा, ओ माय गॉड यार, पठान का जो लच्छेदार पराठा होता है ना, लिटरली इट टेस्ट अमेजिंग। मतलब जो सॉसेजेस का नाश्ता या टर्किश पाइड का नाश्ता, पाइड क्या बोलूँ, टर्किश पाइड मैं यहाँ पर हैदराबाद में एक रिदान रेस्टोरेंट है ना, उसमें मैंने ये वाला नाश्ता किया था, टर्किश पाइड और सॉसेजेस वगैरह, यार कख भी मज़ा नहीं होता उसमें, लिटरली जो पराठों का सुबह और ऐसे सीख कबाब या शामी कबाब, इनका मज़ा होता है। नाश्ता हो गया, ले जाए नाश्ता। मेरी रोटी बन गई है। ओहो तुम्हारी रोटी बन गई। ओके सो ये रह गया लास्ट नान, इसको थोड़ा सा गीला कर दिया था पहले ही मेरी बहन ने, लेकिन मैं इसको फ्राई करना भूल गई थी। इसका बनेगा लास्ट पराठा एंड दिस इज रेडी। अब फाइनली रेडी हो गया, हम इस पर दस्तरखान बिछा दिए, ठीक है ले जाए। जब मैंने सारा नाश्ता बना लिया ना लिटरली, तब मुझे याद आया कि ये तो नान वहीं का वहीं रह गया। वैसे यार ये नान बहुत ही मज़े का लगता है, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये है ना कि मैं तो रेगुलर में खा नहीं सकती, अगर मैं खा सकती होती ना तो मैं लिटरली हो सकता है रोज़ रात को ये नान मंगा के रखती और सुबह इसका पराठा बना के खाती है। लव दिस। खैर अब मैं ना आपको वो जो एंड है ना वो दिखा देती हूँ। ये दो घंटे ऐसे राइस को रखा है। अच्छा फिर ये राइस ना बॉयल करके खा लेना या खीर बना लेना यार, इधर उधर प्लीज़ फेंकना नहीं, ये ना जिम्मेदारी के साथ काम करना, रिस्क बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है, ये ऐसा ना हो कि ऐवें ही इधर उधर रोल खोल रहे हो फिर ऐवें ही गुनाह मिलता है, ठीक है। मम्मा वो तो मुझे याद नहीं, अब दोनों में लगा के चेक करना पड़े, देख लें किसी भी एक में। एंड ये लास्ट में इसका यूज़ बता देती हूँ, राइस वाटर टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसके लिए, मलाजमा के लिए और छाइयों के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, बस रेगुलर यूज़ करना, ठीक है। ओके टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।